हेलो माय ऑल फूडी फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि सचान और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी किचन में। आज गुरु पूर्णिमा है, तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। और आज मैं आपके साथ गुरु पूर्णिमा की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो मैं वो रेसिपी शेयर करूँगी काफ़ी बेसिक है, जो हम बचपन से खाते आए हैं अपने घर में, मैं वो बनाऊँगी आज आपके लिए। तो चलिए चलते हैं अपनी किचन की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बताने जा रही हूँ आपको। सबसे पहले हम सब्जी की बात करेंगे। आज मैं आपके साथ दो रेसिपी शेयर करूँगी। एक है हमारी आलू बैंगन की सूखी सब्जी। वैसे तो काफ़ी लोग बना लेते हैं, सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आज आपको बताऊँगी, क्योंकि ये कुकर वगैरह में मैं नहीं बनाऊँगी, कढ़ाई में बनाऊँगी। तो मैंने बैंगन और आलू ले लिया है। टमाटर मैंने अभी काटा नहीं है, क्योंकि इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और हम बनाएंगे रोटी, जो कि होगी हमारी ये दाल का जो मिक्सचर बनाएंगे हम, उससे स्टफ़ होगी, उसको हम फ्राई नहीं करेंगे। ये होगी कचौरी की ही तरह, कचौरी से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसको हम फ्राई बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इस हिसाब से ये काफ़ी हेल्दी होती है। तो यहाँ पर है उड़द की दाल। उड़द की दाल मैंने ले ली थी 3 मुट्ठी, क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा हैंडफुल ऑफ लिया था मैंने। और यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है भिगोई हुई, रात भर इनको सोख करके धो लिया है। यहाँ पर मैंने चना दाल को लिया हुआ है 1.5 मुट्ठी, यानी कि उड़द की दाल जस्ट डबल होनी चाहिए। चना की दाल हम बाइंडिंग के लिए डालते हैं, चना का दाल का टेस्ट काफ़ी रूखा होता है, इसलिए हम नहीं डालते ज़्यादा। इसलिए चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जी बनाते हैं, बीच बीच में मैं इसकी भी तैयारी करती जाऊँगी। आज मैं 2 रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए अलग अलग वीडियो नहीं बताऊँगी आपको। साथ में ही आज हम बनाएंगे गुरु पूर्णिमा की, आज हम तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से ले रही हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में लूँगी मैं 3 से 4 चम्मच छोटे चम्मच तेल। सरसों का तेल ले रही हूँ मैं, 3 चम्मच तेल लिया है मैंने। यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें मेथी दाना, फिर डालेंगे इसमें हींग, अब डालूँगी इसमें अनियन सीड, कलौंजी के दाने, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं साथ ही इसमें प्याज और लहसुन भी डाल दूँगी थोड़ा सा। लहसुन को मैंने लंबा काटा हुआ है, साथ ही 2 हरी मिर्च हैं, कम तीखी हैं, बाद में पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे, स्लिट कर दिया है। अब मैं यहीं पर डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट भी। थोड़ा सा प्याज को पकाएंगे। प्याज पक गई है, अब इसमें डाल देंगे हल्दी, साथ ही हम बैंगन और आलू डाल देंगे और 1 मिनट तक दोनों को हाई फ्लेम में इस तरह से चलाकर फ्राई करेंगे। इस तरह से 1 मिनट तक हाई फ्लेम में। 1 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें ज़रूरत के अनुसार नमक डाल देंगे, 1 टीस्पून मैं यहाँ लूँगी। चला दीजिए, अभी और कोई मसाला नहीं डाला गया है। अब इसमें पानी डाल देंगे पकाने के लिए। थोड़ा पानी और डालेंगे, अब इसको ढक दूंगी और आलू बैंगन पूरी तरह से पकाने तक इसको मैं पकाऊंगी। साथ ही हम इधर मिक्सी जार लेकर दाल को पीस लेते हैं। आप सिलबट्टे में पीसेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दाल को मोटा पीसना है और गीला नहीं होना चाहिए, काफ़ी टाइट ही पीसना है। दोनों को मिक्स करके पीस लेते हैं, ज़रूरत लगे तो पानी डाल लीजिए। इनको हम पीस लेते हैं। दाल देखिए पिस गई है, लेकिन काफ़ी गीली है, इसलिए अगर टाइट है तो आप कच्चा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा फ्लेवर लाना है तो इसको थोड़ा भूनेंगे। पैन ले लिया है दाल के अकॉर्डिंग। पैन में 1 से 1.5 चम्मच तेल डालूंगी। गैस को धीमा कीजिए। इसमें डालेंगे हींग, हींग अच्छी खासी क्वांटिटी में जाएगी। अजवाइन जाएगी 1/2 चम्मच, पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है दाल वगैरह के साथ में। ये सौंफ है फेनल, तो पका लेते हैं। अब इसमें हम दाल डाल देंगे जो हमने पीसी थी। अब इसको धीमी आंच पर 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। मीडियम कर सकते हैं आप फ्लेम को, देखिए इससे इसका पानी जो है एक्स्ट्रा वो सूख जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको आप कम से कम 1 मिनट के लिए भून लीजिए, बस उससे ज़्यादा नहीं, धीमी आंच पर। जैसे ही 10-20 सेकंड में थोड़ी सी ये टाइट हो जाएगी, इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे फ्लेवर के लिए और टेस्ट के लिए भी, और 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर का डाल देंगे, सॉरी धनिया पाउडर।
अब इसको देखिए नीचे बहुत लगने लगी है, इसलिए बस इसको अब मिक्स करेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि अभी पैन गर्म है। अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया है। अब मैं आटा गूंथ लेती हूँ, थोड़ा सा गेहूं का आटा, जिससे हम बनाएंगे इसको। सब्जी लगभग पक गई है, अब इसको स्वाद देना बाकी है। तो देगी मिर्च डाली है मैंने यहाँ पर, जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है। और डालूँगी यहाँ पर गरम मसाला 1/4 चम्मच। गैस को धीमा कर लीजिए अभी के लिए। और डालेंगे यहीं पर धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, देखिए। और यहीं पर डाल देंगे टमाटर भी 2 कटे हुए, आप टमाटर ज़्यादा भी ले सकते हैं तो और अच्छा टेस्ट आएगा। अब इनको हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसको ढकेंगे नहीं बल्कि खुला ही पकाएंगे, वो भी धीमी आंच पर इसको चलाते हुए, जिससे कि बहुत बढ़िया इसमें सौंधी खुशबू आने लगेगी। आप इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। ये देखिए, देखने लगे तुरंत ही कलर कितना चेंज हो गया। लेकिन मसाले आप पहले ना डालें, जिस तरह से मैंने बताया, एक बार ऐसे बना कर देखें। मैं बैंगन की सब्ज़ी जब भी अलग खाने का मन होता है इसी तरह से बनाती हूँ, इसका स्वाद बहुत ही अलग होता है। और इस जो आज की रेसिपी है इस तरह से, इसमें तो इसी तरह से बनती है। अब इसको धीमी आंच पर चाहो तो ढक के पका लो, अगर आपको ग्रेवी कम लग रही है आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं अपनी दाल वाली रोटियां। आपने ध्यान दिया होगा इस मसाले में मैंने नमक बिल्कुल भी नहीं डाला था, वो इसलिए कि नमक को हम बाद में निकाल लेते हैं, उससे काफ़ी गीला हो जाता है हमारा मसाला। इसको हम अलग रख लेंगे। और ये मसाला आपके सामने है। चलिए, मैंने यहाँ पर आटा गूँथ लिया था, ये देखिए, बढ़िया मुलायम आटा गूँथना है, टाइट नहीं होना चाहिए। एक थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लेंगे, इसको थोड़ा सा बेल लीजिए इस तरह से। अब करना ये है कि जो दाल का बैटर था उसको इस तरह से ले लीजिए, देखिए। अब इसमें इस तरह से नमक लगा लीजिए आइडिया से, लगभग इतना। और इसको इसमें रखकर स्प्रेड करते हुए हम गोल रोटी की तरह इसको बेलेंगे। सूखा आटा लगाकर इसको बेल लीजिए। ये निकलेगा नहीं ज़्यादा क्योंकि हमने पैन में फ्राई कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा मोटा ही बेलते हैं इसको और धीमी आंच पर तवे में पकाते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते इसको, आप बना सकते हैं बट मैंने इसको हमेशा छोटा ही बनते देखा है। ये देखिए, इस तरह से इसमें दाल अंदर है। अब हम इसको सेकेंगे। मैंने यहाँ पर तवा ले लिया है, इसको डालकर पकाएंगे। जैसे ही एक तरफ से ब्राउन हो जाएगी दूसरी तरफ भी पलट देंगे धीमी आंच पर ही। ये इस साइड से भी अच्छी हो गई है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। ये देखिए, अगर आहिस्ता बेलेंगे तो ये अच्छी फूलेगी भी। ये देखिए, धीमी आंच पर बनाएंगे तो काफ़ी कुरकुरी बनेंगी। ये देखिए कितनी करारी बनी है। अब हम दूसरी भी इसी तरह से बना लेंगे। इधर सब्जी भी देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब चलिए हम प्लेट करते हैं। यहाँ पर हमने जो ली हुई है अपनी ये रोटी दाल वाली, इसको अच्छे से घी से ग्रीस करेंगे, जितनी भी हैं आपके पास। बिना घी के मत इनको सर्व करें, ये देखिए। और ये बहुत ही इस वक्त सॉफ्ट हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। मैंने यहाँ पर एक प्लेट में सब्जी निकाल ली है और आम के साथ इसको ज़रूर सर्व किया जाता है। इसको मैंने आम को इस तरह से काट लिया हुआ है और यहाँ पर रख देंगे। और हम अपनी रोटियों को भी काट लेंगे। ये लीजिए, देखिए मैंने रोटियाँ काट ली हैं, इसके अंदर दाल भरी हुई है, दाल बिल्कुल पकी हुई है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड। आज के दिन आप किसी को भी घर में बुला सकते हैं, आप इनवाइट कर सकते हैं गेस्ट को भी। वैसे आज इस पे एक और मीठी चीज़ भी बनती है, वो है पूरन पोली। लेकिन अभी मेरे पास थोड़ा समय की कमी है इसलिए मैंने नहीं बनाया, लेकिन अभी मैं शाम तक ज़रूर बनाऊंगी पूरन पोली और उसकी रेसिपी आपको दूंगी। वो बहुत ही यूनिक और टेस्ट में तो उसका कोई जवाब ही नहीं है, तो बहुत जल्दी मैं डालूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ और आज मज़ा लीजिए आप इनका। ये बहुत ही सादा खाना है, बहुत ही कम तेल वगैरह में बना हुआ, मसाले में बना हुआ है। ये सब सामान्य खाना ही है लेकिन इसको बनाने का तरीका इसको बहुत ही टेस्टी बनाता है। तो चलिए, अगर आपको गुरु पूर्णिमा पर आज मेरा ये स्पेशल डिश पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।